नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में। जो लेड एसिड बैटरी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे काम करती है। तो लेड एसिड बैटरी जो इसको नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि हम इसके अंदर लेड का यूज़ करते हैं पीबी का, तो इसलिए इसको लेड नाम दिया गया है। और एसिड का यूज़ करते हैं H2SO4 का, जो कि डाइल्यूट होता है। तो लेड एसिड बैटरी मतलब जो हम लेड यूज़ करेंगे और एसिड यूज़ करेंगे H2SO4, तो उसके थ्रू जो बैटरी बनती है तो उसको हम डिस्चार्ज करते हैं, उसका यूज़ करते हैं और फिर चार्ज करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी इसलिए इसको बोला जाता है। तो लेड एसिड बैटरी हमने यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं, एक डिस्चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग मतलब जब हम इसका यूज़ करते हैं, और चार्जिंग मतलब जब हम इसको चार्ज करते हैं दोबारा से, तो इसके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं। तो जो चार्जिंग है डिस्चार्जिंग की बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होती हैं। डिस्चार्जिंग के दौरान जो रिएक्शंस होती हैं वो चार्जिंग के दौरान उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो हमें समझना होगा कि ये डिस्चार्ज किस तरह से होता है। तो इसके अंदर देखिए, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये है पीबी। पीबी जो लेड इलेक्ट्रोड है ये स्पंजी टाइप होता है, और दूसरा है PbO2 लेड डाइऑक्साइड, PbO2। इसके अंदर जो पीबी है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा जब ये डिस्चार्ज होगी, और जो PbO2 है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। बीच में हमने लगाया है मीटर जो कि इसकी सप्लाई को देखेगा कि कितनी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यहाँ से हम उसको माप सकते हैं। और बीच में ये है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यूज़ किया गया है जो इलेक्ट्रोलाइट है। ये H2SO4 और ये इलेक्ट्रोड हैं। तो क्या रिएक्शन होगी एनोड पे और क्या रिएक्शन होगी कैथोड पे? तो एट एनोड, एनोड की बात करते हैं, मींस जो हमारा ये है एनोड की बात करते हैं, पीबी पे क्या रिएक्शन होगी। इसके लिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो इस तरह के, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है 2H2SO4 है। मान लीजिए 2H2SO4, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये टूटेगा तो ये एक H2SO4 में टूटेगा और H2SO4 में टूटेगा। मान लीजिए हमने दो ले लिए, तो 2H2SO4 मतलब 1+1 1H2SO4 प्लस सेकेंड H2SO4, और जब ये H2SO4 टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। इसी तरह से ये भी टूटेगा 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमने एक सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए 4H पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो इससे निकलते हैं, अगर हम इतना इसकी क्वांटिटी लेते हैं 2H2SO4, तो 4H पॉजिटिव यहाँ से निकल गए। इसी तरह से जो SO4 और SO4 है ये कितने निकलेंगे, 2, SO4 2 नेगेटिव, इसी तरह से SO4 2 नेगेटिव। तो 4H पॉजिटिव ये हो गए H2 और H2, जब ये टूटेंगे तो 4H तो ये निकल गए लेकिन ये पॉजिटिव में होंगे, और SO4 ये दो हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये दो हो गए। अब देखिए जो SO4 है वो दोनों तरफ जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं पहले एनोड की। तो एनोड पे जब SO4 जाएगा PB प्लस, जब ये SO4 जाएगा SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा PbSO4 प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होना स्टार्ट होंगे, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ तो SO4 नेगेटिव गए जो 2 नेगेटिव था, इसी तरह से जो ये 4H पॉजिटिव है और SO4 जो ये एक आयन था जो हमने अलग अलग कर लिए थे, एक SO4 2 नेगेटिव उधर गया, अब एक SO4 2 नेगेटिव इधर जाएगा। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी एट कैथोड? तो कैथोड पे हमारे पास क्या है, PbO2, ये हमारा कैथोड है, PbO2 प्लस जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे आएंगे, ये फ्लो कर रहे हैं, प्लस जो ये 4H पॉजिटिव हैं ये भी बचे हुए हैं, तो 4H पॉजिटिव भी यहाँ पे आएंगे, प्लस SO4 2 नेगेटिव जो ये बचा है ये भी हमारा यहाँ पे आएगा, 2 नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे इस तरफ बनेगी, PbO2
SO4 2 नेगेटिव, 4H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ये सारे चीज़ें बची हैं वो इस तरफ आएंगी। अब PbO2 पे जैसे ही ये चीज़ें पहुंचेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा PbSO4, वही लेड सल्फेट प्लस 2H2O, 2H2O वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको ये कंबाइन करेंगे PbO2 के साथ तो Pb इसके साथ SO4 के साथ कनेक्ट कर हो जाएगा, तो PbSO4 ये बन जाएगा और बाकी जो ये है फोर जो हमारे हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी और जो वाटर हमारा बनता रहेगा लेड सल्फेट जो है दोनों तरफ बनता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो ये वाटर बनता रहेगा तो इससे क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या हो जाएगा और डाइल्यूट होता रहेगा और वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। और यहाँ पे जो लेड सल्फेट है यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा दोनों प्लेट्स के ऊपर। तो ये जो हमारी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर कम होती चली जाएगी जैसे जैसे इसके अंदर वाटर बनेगा और लेड सल्फेट की एक परत जमनी स्टार्ट हो जाएगी दोनों तरफ। तो उसे चार्जिंग करने के लिए हम डीसी सप्लाई देते हैं, बाहर से सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से जो ये रिएक्शन है ये अपोजिट तरफ चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये अपोजिट रिएक्शन होंगी और ये प्लेट्स दोबारा से या हम कहें ये बैटरी दोबारा से चार्ज होने स्टार्ट हो जाएगी। बीच में H2SO4 बनना स्टार्ट हो जाएगा जैसे इसमें वाटर बना था, तो इसमें दोबारा से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी बैटरी जो है ये लेड सल्फेट जो परत जमी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो बैटरी है दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जो लेड एसिड बैटरी है ये काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।